नमस्कार दोस्तों, सोबिच्चिकारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मोबाइल सिलेंडर है शक्तिमान का और इसके बारे में जानकारी देंगे मंजेंद्र सिंह। तो सर बताइए इसके बारे में, मोबाइल सिलेंडर के बारे में। ये मोबाइल सिलेंडर है जी, ये ट्रैक्टर के साथ ऑपरेट होती है। यहाँ पे इस साइड में इसके ट्रैक्टर लगता है, इसके आगे दो गार्ड लगते हैं। जो खड़ा मक्का होता है, जो एक लाइन में लगती है मक्का, उसको ये काट कर उसका अचार बना कर ये बाकायदा उसको ट्रॉली में लोड कर देता है। इसके साथ ट्रॉली भी पीछे लग जाती है। तो साथ में हाँ, ट्रॉली नहीं, ट्रॉली अभी इसके ऊपर ये हुक लगी हुई है, जहाँ पे ट्रॉली भी लग जाती है साथ में। साथ में ये दोनों काम करेगा, मक्का का अचार भी बनाकर उसको ट्रॉली में चढ़ देगा। फिर इसमें ये देखिए, ये इसके ऊपर जैक लगा हुआ है हाइड्रोलिक ये वाला। अगर इसको किसी भी दिशा में आपने इसको रिमूव करना है दाएं बाएं, तो ऊपर बैठा आदमी इसको ऑपरेट करके जिस साइड में भी इसको घुमाना हो घुमा सकता है। इसके साथ आप 55 HP ट्रैक्टर का लगाएंगे, 55 HP में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसकी। और क्या क्या अंदर है फीचर, और कुछ फीचर इसके? और इसमें तो ये तो साइलेज के लिए है, और इसमें और भी एक मशीन आती है, वो जैसे हमारे पंजाबी में तो कपास बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी भी कोई चीज़ होती है जो वेस्टेज होती है, वेस्टेज को भी वो ख़त्म कर देती है। और आप कैसे दिखाइए इसका, कहाँ से कटिंग करती है? ये कटिंग अंदर से करती है जी, इसके ऐसे नहीं दिखेगा आपको, इसमें ब्लेड लगे होते हैं, इसके अंदर ब्लेड लगे होते हैं, जहाँ पे एक PTO शाफ्ट यहाँ से अटैच होके वहाँ लग जाती है, और इधर से ट्रैक्टर के साथ ऑपरेट हो जाती है जी। ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर आगे चला जाता है तो चली जाती है जी। सर, और इसका प्राइस क्या है सर? इसका 2,25,000 प्राइस है जी, जहाँ मेला प्राइस है जी। और सब्सिडी भी है सर? यहाँ डेयरी डिपार्टमेंट की तरफ से इसमें है 50,000 रुपये सब्सिडी जी। उसके लिए किसान को सर? उसके लिए किसान को एक तो उसका डेयरी फार्म है जो वो होना चाहिए, फिर उसका 15 दिन का सर्टिफिकेट होता है कि डेयरी डिपार्टमेंट का, वो लिया होना चाहिए, और साथ में उसके तकरीबन 100 के करीब पशु होने चाहिए, 100 के जी। वो डेयरी डिपार्टमेंट में बातचीत करके वहाँ पे अपना केस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकता है जी। जी सर, तो जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका दिन भी शुभ रहे।